everyone, welcome to the channel. So today's video is again going to be a Meesho saree haul. I know कि आपको Meesho के saree hauls बहुत पसंद है, तो मैं again एक Meesho saree haul आपके लिए लेकर आ गई हूँ. आज की साड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं. I hope कि आपको आज का video पसंद आएगा, और पसंद आता है तो आपको पता ही क्या करना है, channel को subscribe करना, video को like करना और अपना एक प्यारा सा comment छोड़ देना. और यदि पहले से subscribe किया हुआ तो thank you so much. यदि आप किसी भी product के direct link अपने DM में चाहते हो तो आप मुझे Instagram में भी follow कर लेना. वहां से आप जिस भी प्रोडक्ट के लिंक बोलोगे डायरेक्ट आपके इंस्टा में आपके अकाउंट में डीएम में सेंड हो जाएंगे. तो चलो अभी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का कलेक्शन देखते हैं. तो सबसे पहली साड़ी जो है वो ये येलो कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है. मैं इधर पे स्क्रीन में इसका रियल इमेज लगा दे रही हूँ और प्राइस भी आपको स्क्रीन में मेंशन हो जाएंगे. सो ये कुछ इस तरह की साड़ी है और इसमें इस तरह का ये ब्लाउज पीस आया है. तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ. सो कुछ इस तरह के टेसल्स आपको मिल जाएंगे इसके पल्लू पार्ट में, ये देखो इस तरह के. और ये इस तरह की साड़ी आपको मिल जाएगी. इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हो. मैंने ये येलो परचेस किया है और ये बहुत प्यारा कलर लग रहा है. साड़ी के कपड़े की क्वालिटी बहुत ऑसम है, बहुत रिच वाइब्स दे रही है. ये आप देख सकते हो साड़ी में ना हल्की सी शाइन है, जॉर्जेट की है साड़ी और बहुत बहुत ही प्यारा कपड़ा है, बहुत कम्फर्टेबल है और देखने में वेयर करने में बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम रिच वाइब्स दे रहा है. सो ये ऑल ओवर साड़ी ना आपको पूरी प्लेन मिलने वाली है. तो साड़ी ओवरऑल ऐसी ही है. इसमें ब्लाउज पीस जो दिया हुआ है ये आपको हैवी ब्लाउज पीस मिल जाएगा. तो ये नेट का है और इसमें इस तरह का ये मल्टी कलर से वर्क किया गया है, जो कि सीक्वेंस का वर्क है और थ्रेड का वर्क है. तो साड़ी और ब्लाउज का कॉम्बिनेशन जो है जो ओवरऑल बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत मस्त लगने वाला है. सो मैंने अभी साड़ी को किसी दूसरे ब्लाउज के साथ स्टाइल किया था, बट मैं इसको जब भी स्टिच करा लूँगी तो मैं आपके साथ अपडेट जरूर करूँगी. इंस्टा में इसकी रील ज़रूर आ जाएगी. सो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी. सो ओवरऑल ये साड़ी जो है बहुत प्यारी लग रही है, कपड़े की क्वालिटी बहुत मस्त है, प्राइस इसका बहुत ही ज़्यादा सही है, बहुत सही प्राइस में ये मुझे मिली है. सो या देखने में बहुत अच्छी है, कम्फर्टेबल है. बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो अभी समर सीजन में कम्फर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. साड़ी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, कपड़ा बहुत मस्त है. सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. सेकेंड साड़ी जो मैंने परचेस करी है ये भी बहुत ही प्यारी साड़ी है. सो ये मैंने ऑफ वाइट कलर की साड़ी परचेस करी है. इसमें कुछ इस तरह की साड़ी मिलेगी और ये पल्लू के पार्ट में आपको इस तरह के ये टैसल्स मिल जाएंगे. और पूरी साड़ी में इस तरह के जरी का काम किया गया है, सीक्वेंस का काम किया गया है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक है. सो साड़ी ना देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और इसका जो कपड़ा है ना, कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मस्त है. साड़ी एकदम लाइट वेटेड है और देखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक आ रहा है. यदि आप किसी शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में इसको स्टाइल करना चाहते हो तो उसके हिसाब से ये काफी अच्छी लगेगी, काफी सुंदर लग रही है, कंफर्टेबल है. बेसिकली समर सीजन में हमें क्या चाहिए, कंफर्टेबल साड़ी चाहिए जो कि हैवी दिखे और हैवी ना हो, बहुत ज्यादा हैवी ना हो, बट देखने में अच्छी लगे, हैवी लगे और कंफर्टेबल हो. सो ये साड़ी एकदम आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरने वाली है. सो मुझे ये साड़ी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है. बस एक ही चीज मुझे इस साड़ी में अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि ये जो इसके जो सामने ये वाली लेस लगी हुई है ना, ये थोड़ा सा मुझे चीप लग रही है. तो चाहो तो आप इसको निकाल भी सकते हो. मैं इसको वेयर करूंगी तो मैं इसको निकाल ही दूंगी, बट मैं अभी आपको दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने अभी नहीं निकाली. सो साड़ी ये है और इसमें ना ये ब्लाउज पीस मिला है. सो ब्लाउज पीस में आपको दोनों ही साइड पे आप डिजाइन डलवा सकते हो. ये इस तरह का थ्रेड वर्क का काम किया गया है, बैक साइड पे, फ्रंट पे, दोनों साइड पे दिया हुआ है. सो साड़ी और भी ज्यादा हैवी लगेगी. ये कपड़ा जो है कॉटन का है, सो ये भी कंफर्टेबल रहने वाला है क्योंकि आपको यही वाला कपड़ा यूज करना पड़ेगा. इसके साथ आपको अस्तर वगैरह यूज करना पड़ेगा. सो आप इसको लगवा सकते हो. सो काफी अच्छा डिजाइन इसमें दिया है, मल्टी कलर दिया है. सो बहुत अच्छे से आप इसको स्टाइल कर सकते हो, किसी भी शादी पार्टीज में मस्त लगेगी ये वाली साड़ी. सो ये है और इसमें ना ये बेल्ट के लिए ये डोरी दी हुई है. आप चाहो तो उसको स्टाइल करो, नहीं चाहो तो नहीं करो. सो ओवरऑल ये वाली साड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई है. प्राइस इसका स्क्रीन में मेंशन हो जाएगा. इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर लेना, और कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मुझे जोक की तरफ से एक बैग रिसीव हुआ है और इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. जोक 100% इंडियन ब्रांड है एंड इनके प्रोडक्ट जो है वो पेटा सर्टिफाइड होते हैं. बैग बहुत स्टाइलिश है, ये आप डेली वेयर में भी यूज कर सकते हैं एंड कहीं पे बाहर जा रहे हो तब भी इसमें यूज कर सकते हैं. एंड इसमें दो कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, अंदर एक चेन दी हुई है, जिप क्लोजर बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है बैग की, हैंडीक्राफ्टेड है एंड वाटर रेजिस्टेंट लाइनिंग इनमें दी हुई है. पीछे साइड भी आपको एक
चेन वगैरह मिल जाती है, पॉकेट मिल जाता है जिसे आप कुछ भी पैसे वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड ये एक स्लिंग बैग है, इनके पास आपको काफ़ी यूज वैरायटी में बैग्स देखने मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट साड़ी मैंने परचेस करी है वो मैंने ये ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में ये साड़ी परचेस करी है। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर लेना। तो ये देखो, इसमें इस तरह की लेस मिल जाएगी, ये मोतियों वाली लेस है और ये पूरा इसका पल्लू पार्ट है, पूरे में आपको लेस मिलेगी और ये पल्लू पार्ट आपको ब्लैक कलर का मिलेगा और ये जो प्लीट्स वाला पार्ट है ये आपको व्हाइट कलर का मिलेगा। सो इसका कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो मैंने सोचा एक ब्लैक एंड व्हाइट वाली साड़ी ट्राई करते हैं। सो ये देखो, इसमें ब्लाउज पीस भी मिल रहा है, ब्लाउज पीस आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है। सो ये जो साड़ी है ये सैटिन की साड़ी है, कपड़ा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शाइनी शाइनी सा कपड़ा है। ये देखो व्हाइट कलर का जो कपड़ा है आपको शाइनिंग दिख रही होगी इसमें और ये ब्लैक वाले में भी शाइनिंग दिख रही है। ये वाली साड़ी मुझे 500 रुपीज़ के आसपास पड़ी है, सो प्राइस में मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओवरऑल इसमें जो लेस वगैरह का काम किया गया है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो इसको भी यदि आप गर्ल हो और आप किसी शादी वगैरह में जा रहे हो और आप चाहते हो कि आपको कोई मस्त सी साड़ी वेयर करना हो जो कि कम्फर्टेबल हो, स्टाइलिश दिखे, तो आप इस तरह की साड़ी ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पहनने में कंफर्टेबल होती है, ऑल्सो इनकी जो प्लेट्स वगैरह होती है वो इजीली बन जाती है और काफी टाइम तक चल जाती है, आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा इनको वेयर करके। सो आप डेफिनेटली ये वाली साड़ी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है, कपड़ा बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत सही है, क्वालिटी बहुत मस्त है, तो आप डेफिनेटली ओके। जो नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी इस हॉल की जो है वो ये ब्लैक कलर की साड़ी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, बहुत ज्यादा वायरल साड़ी है, आपने कहीं ना कहीं साड़ी को जरूर देखा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको परचेस करूं और देखती हूँ कि कैसी साड़ी है। सो ये देखो, इसमें इस तरह के ना गोल्डन कलर से वर्क किया गया है, थ्रेड वर्क है और पूरी साड़ी में ना इस तरह का ये वाला डिजाइन दिया गया है जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, ये कट वर्क। सो देखो, ओवरऑल साड़ी में ना आपको इस तरह का वर्क मिल जाएगा, ये देखिए इस तरह का वर्क मिल जाएगा जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। लिटरली अब मुझे समझ आया कि ये साड़ी इतनी ज़्यादा वायरल क्यों थी, इतना ट्रेंड में क्यों थी। ये देखो, पूरी साड़ी में इस तरह का मिल जाएगा, नीचे आपको पूरा ओवरऑल कट वर्क मिल जाता है पूरा और इधर पे आपको ये प्लेन साड़ी मिल जाती है। इसका जो ब्लाउज पीस है ये भी आपको काफ़ी हैवी मिलने वाला है, ये देखिए कुछ इस तरह का मिल जाता है, ये वाला पूरा सीक्वेंस का काम किया गया है और सीक्वेंस का काम जो है बहुत ही छोटे छोटे सीक्वेंसेस में लगाए गए हैं और लिटरली बहुत रिच लुक दे रहा है ये वाला जो ब्लाउज है, आप इसके साथ वेयर करो कि बहुत ही ऑसम लुक देने वाला है। सो कपड़े की क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यार, बहुत ऑसम क्वालिटी, एकदम सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और जो लुक दे रही है ना ये साड़ी, ये बहुत ही प्यारी लग रही है यार, लिटरली मुझे बहुत पसंद आई ये वाली साड़ी। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, यदि आप परचेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस साड़ी को परचेस कर सकते हो, बहुत ही प्यारी लग रही है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के और भी वीडियोज देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जरूर विजिट करना, आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा और भी इसी तरह के और भी वीडियोज आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।